हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, कुछ एक कमेंट आए हैं जिनको मैं अभी यहाँ पर रीड करना चाहती हूँ। मैटर है वही मालती से रिलेटेड, लेकिन जो कमेंट आया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। कोई शीला गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखा है, इस पारिवारिक मैटर को गोरखपुरिया ने ही ज़्यादा उछाला है। माना कि हेल्प के लिए मालती गई थी, तो उसको हर समय की वीडियो क्यों बनाना था और उसकी बेइज्जती करनी थी केवल व्यूज़ के लिए? बड़े बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि मदद ऐसी करो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और इसने क्या किया? केवल अपना सोचा कि मौका मिला कमाने का और आप पहले अपने दिमाग का यूज करो और फिर किसी को बोलो, है ना? ऐसा देखा है। ठीक है, आपका कहना भी सही है, इस चीज के लिए मैं एग्री कर रही हूँ कि मदद ऐसी करो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। सही है बिल्कुल। लेकिन गोरखपुरिया भौजी जो हैं, आपने देखा होगा उनका डेली ब्लॉगिंग होता है, वो जो दिन भर में करती हैं वो सब वो ब्लॉगिंग में डालती हैं। डेली उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सब कुछ उनका बाइटी पर होता है, दिखाती हैं वो। क्योंकि हर यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग करता है वो बाइटी पर अपनी पूरी निजी लाइफ दिखाता है, दिखाता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ यहाँ पर शेयर करती हूँ, करी है मैंने, अपनी सारी लाइफ शेयर करी हुई है। तो सेम गोरखपुरिया भौजी के साथ मैं यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रही उनका, कोई मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ सही दिखता है, जहाँ गलत दिखता है, मैं उस चीज़ को बोलती हूँ। क्योंकि हम लोग का काम है रिएक्शन देने का, हम यहाँ रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो जो सही लगेगा वो सही पर बोलेंगे, जो मेरे हिसाब से सही होगा, आप लोग के हिसाब से जो चीज़ है वो आप अपना, क्योंकि तो सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। हमारे हिसाब से हमने ये देखता है, जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि गोरखपुरिया भौजी की लाइफ में यदि आई हैं वो मालती चौहान आई थी मदद मांगने के लिए, तो देखो वो एक यूट्यूबर है, यदि कोई आया तो डेफिनेटली वो उसके साथ वीडियोस तो बनाएंगी ना यार, क्यों नहीं बनाएंगी? यदि मेरे पास भी आज कोई यदि आता है, कोई यूट्यूबर आता है, तो मैं भी अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो कोई भी आ रहा है तो उसको लेके मैं वीडियो बनाती हूँ और बनाऊंगी, यदि चाहे मालती चौहान हो चाहे कोई भी आए हो। अब एक्सीडेंट क्या हो गया, घटना या क्या घटित हो गई कि मालती चौहान ने, कि जो भी हुआ मालती चौहान के साथ, अभी मैं ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करूंगी कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, जो भी हादसा हुआ हो उनके साथ, फांसी लगाई हो या जो भी किया हो उन्होंने, नहीं पता है अभी अपन को इसका, क्योंकि इसका जो भी है खुलासा वो सब अभी आएगा, है ना? क्योंकि दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई है ये तो सबको मालूम है, लेकिन दम कैसे घोटा गया है ये अभी सब आएगा सामने। क्योंकि शक के दायरे में जो बंदा है वो है विष्णु राज, आप लोग को मालूम है कि विष्णु और मालती चौहान ने जो एक दिन पहले वीडियो शेयर किया था उसमें भी बोला ही था ना कि मेरे को यदि कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार विष्णु चौहान होगा होगा होगा। तो फिर गोरखपुरिया भौजी को क्यों यहाँ पे घसीटा जा रहा है, मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही है ना? क्यों उसके ऊपर इतने लोग उंगली उठा रहे हैं? यदि ऐसा कभी भी अब हो, ऐसा हो रहा है, तो क्या वो औरत अब किसी की मदद करेगी क्या? उसका नाम खराब हो रहा है। वो औरत को देखो, दिन रात वो मतलब मालती चौहान के साथ रही, कोर्ट गई, कचहरी गई, और चलो तो पुलिस थाने गई, सब जगह गई, आवेदन लिखवाया और शॉर्ट आउट भी कराया, मतलब सब कुछ, उसके बावजूद यदि ये घटना हो गई है तो उसमें उसका क्या दोष? ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। यदि आप लोगों को समझ में आ रही हो तो मुझे जरूर बताना। और ये जो इन्होंने लिखा है, इनके हिसाब से ये सही है कि नॉर्मल लाइफ अपन लोग जी रहे हैं और अपन किसी की हेल्प करते हैं तो अपन नहीं पता, मतलब बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरे हाथ को भी पता मत चलने दो, लेकिन यहाँ जो काम है वो सोशल मीडिया का ही काम था, है ना? सोशल मीडिया ही है ऐसा पूरा जो कुछ है। मालती भी सोशल मीडिया पे है, गोरखपुरिया भौजी भी सोशल मीडिया पे है, उसका हस्बैंड भी विष्णु राज भी सोशल मीडिया पर है,
तो ये बात सोशल मीडिया की थी तो सोशल मीडिया पर ही की गई ना, कोई छुप छुपा के कानों में तो नहीं की जाएगी ना, कह रहे मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तुम किसी को मत बताना है, या मालती चौहान बोले कि भाभी मैं आपसे मदद लेने आऊँ तो आप किसी को मत बताना, ऐसा नहीं होता है मैडम, है ना। ये काम सोशल मीडिया का है तो सोशल मीडिया पर ही होगा, है ना। चाहे आप इसको अब सही समझो चाहे गलत समझो, या हो सकता हो कि आप लोगों को मेरे कहने का भी तरीका गलत लग रहा हो, पर मैं इसमें उसका कोई भी पक्ष नहीं ले रही। यदि मैं भी होती उसकी जगह तो भी मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें शेयर जरूर करती, क्योंकि हमारे रोजमर्रा का काम है ये, हम वीडियोस बना रहे हैं तो ये डेली का काम है, तो इसमें मुझे कहीं भी रिंकी गलत नहीं लग रही है। आई होप आप लोगों को शायद लग रहा हो ऐसा, और कहाँ तक आप लोग सहमत हो मेरी बात से तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये डेली ब्लॉगिंग है, डेली का हम लोग सब कुछ करते हैं। अभी देखो, अभी भी देख लो कि गोरखपुरिया भौजी यदि वहाँ जा रही हैं सब है तो उनके वीडियोस आ रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगी वो वीडियोस, आप ये बताइए क्यों? क्या वो अपनी जेब से पैसा लगाएंगी वहाँ पर? ठीक है, यदि इन्हीं से वीडियो से ही जो पैसा आएगा वो उसके लिए लगाएगी ना। आज के वीडियो में भी मैंने देखा कि उसने बोला है कि ऐसा नहीं है कि ये मैटर शॉर्ट आउट होने के बाद वो युवराज की देखभाल नहीं करेगी, युवराज के लिए कुछ करेगी नहीं, वो करेगी, उसने खुद बोला है। उसके लिए वो ऐसा नहीं है कि मतलब इस चीज़ का बस वेट कर रही है कि ये मैटर खत्म हो और वो युवराज की तरफ ना देखे। इतनी बड़ी बात यदि उसने बोली है सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं उसने कुछ तो सोचा होगा ना, कि नहीं यार मुझे युवराज के लेके कुछ सोचा होगा कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, ऐसे कोई नहीं सोचता है ना। तो ये जो आप लोग बोल रहे हो ये, मैं इस चीज़ में कहीं से कहीं तक सहमत नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि रिंकी का मैं कोई फेवर नहीं करूँ। रिंकी की बस मुझे एक बात अच्छी लगती है, मैं सच बताऊँ, बाकी उसका जो भी लाइफ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे वीडियोस बनाती हैं, कैसा क्या करती हैं, कितना बोलती हैं कितना नहीं बोलती, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो लेडी हमेशा सबके लिए बस उससे बोलने भर की देर है। यदि आप कॉल करके बोलो या मैसेज करके बोलो, वो लेडी हमेशा तत्पर रहती है दूसरों की हेल्प करने के लिए। सिर्फ ये बात मेरे को उसके उसकी ये बात मेरे को दिल को छू जाती है, बस यही बात मुझे अच्छी लगती है। बाकी तो जो है देखो, सबका अपना नेचर है, सबकी अपनी लाइफ है, वो जो कर रही हैं वो अपने चैनल के लिए कर रही हैं, आज हम लोग जो कर रहे हैं अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, सब अपना अपना खा रहे हैं और सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं। या कुछ ऐसा नहीं है कि इसका जो मैटर हो गया तो लोग इस पर वीडियो बनाने लगे तो डॉलर कमाने लगे तो व्यू आने, जो ट्रेंडिंग होता है लोग उसको ही उठाते हैं ना। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ट्रेंडिंग है यहाँ पर सब डॉलर के लिए हो, व्यू के लिए बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे राधा राज हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी, यूट्यूब पर आप आए हो तो सब इसी के लिए आए हैं ना, और किसी के, सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि खाली फेम के लिए आए हो, सब आए हैं यहाँ पे व्यूज के लिए और डॉलर के लिए, कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और जो ट्रेंडिंग रहता है, जो चीज चल रही है अभी, जो कुछ हाल फिलहाल घटनाएं होती हैं आपस में या जो कुछ भी होता है, लोग उसको लेकर आते हैं, लोग उस पर ही बात करते हैं, कोई ऐसे सब्जेक्ट पे तो नहीं करते ना जो हो ही नहीं रहा है, लोग फिर क्यों देखेंगे उसको। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग से काम लीजिए और ये फालतू किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाइए कि यहाँ पे व्यूज के लिए हो रहा है, ये डॉलर के लिए ये लोग कर रहे हैं, ये सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पर है, जो सोशल मीडिया पर है, वो सिर्फ यहाँ पे कमाने के लिए ही बैठे हैं। आया समझ में? बाकी रहा रिंकी गोरखपुरिया का, तो वो भी वो कमा के एटलीस्ट वो दे तो रही हैं, वो कर तो रही हैं सामने वाले के लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पीछे हट रही हो। ये तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी ये वाली बात। और ये शीला जी जो भी है, क्या नाम था इनका, यस शीला गुप्ता जी, आपको भी ये बात क्लियर हो गई होगी है? बाकी आपका नजरिया है, आप किस तरीके से सोचती हो वो आपके सोचने का तरीका है, इन सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है ना दोस्तों, सबका सेम नहीं, कहते हैं ना कि पांच उंगली बराबर नहीं होती है, तो कोई कुछ तरीके सोचेगा, कोई कुछ तरीके सोचेगा, सबका अलग अलग तरीके से सोचेंगे लोग। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।